खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ पंडित आचार्य राजीव कुमार पाठक जी जुड़ गए हैं। राजीव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत 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 नमस्कार, सब लोग को नमस्कार जी। पंडित जी, हरियाणा न्यूज को धन्यवाद, जैसा कि आज जी जी पंडित जी, पंडित जी कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि आज का सुविचार क्या है। देखिए, आज सबसे पहले तो आज बुधवार है जी। कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए गणेश भगवती के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि क्षम प्रवाह निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु संवदा सर्वदा। देखिए, विक्रम संवत 2078 है, माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, 8:30 सुबह तक अष्टमी तिथि है, उसके बाद जो है नवमी तिथि प्रारंभ हो जाता है। नक्षत्र जो है आज कृत का है, सूर्योदय जो है सुबह 7:04 पे है, सूर्यास्त शाम को 6:07 पे है। राहु काल वो ऐसा काम जिसका दीर्घकालीन परिणाम प्राप्त होता है वो राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय दोपहर 12:35 से 1:58 तक का है। और दिशा सूर्य उत्तर दिशा की ओर, कोई भी ऐसा शुभ कार्य जिसमें कि आपको उत्तर दिशा की तरफ जाना पड़े तो उत्तर दिशा की तरफ ना आज यात्रा करें, ये आज दिशा सूर्य माना गया है। जी जी पंडित जी, पंडित जी इस पे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे या फिर जुड़ने वाले हैं उनको भी बता देते हैं कि आज आपका दिन कितना अच्छा रह सकता है, आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं, या फिर अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है उससे आप निजात पाना चाहते हैं, आजादी पाना चाहते हैं, या फिर बिजनेस में तरक्की नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा तमाम विषय हो जिसको लेकर आप लगातार चिंतित नजर आ रहे हैं, तो सीधे हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं 01244829011213, इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही इस खास शो का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित जी बढ़ते हैं आगे, बात अब राशि की कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, सीमा जी। सीमा जी बताइए। हाँ जी मैडम, मैं अपनी शिक्षा के बारे में जानना चाहती हूँ जी। हाँ जी, उनका सितंबर 1968 जी, क्या बताया आपने? 7 सितंबर 1968। हाँ जी, हाँ जी, नाम क्या है उनका? नाम मनिंदर। मनिंदर जी, टाइम क्या है? टाइम है, टाइम बताइए उनका, रात के बॉम्बे का। जी दोबारा दोहराएंगे प्लीज। 9:20 रात का बॉम्बे का। जी बॉम्बे का है, एक सेकंड लाइन पे बने रहिए। हाँ जी पंडित जी, ये है कि इनकी जो बच्चे हैं इसका जीवन ठीक नहीं चल रहा पति से, तो इसके बच्चे इसके पास है, इसके पास रहेंगे या ये अपने बाप के पास चले जाएंगे, इनका डिवोर्स होगा, क्या होगा क्या नहीं? पंडित जी इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती। देखिए, इनकी जो है स्थिति जो आप कर रहे हैं डिवोर्स की बात जहां तक कर रहे हैं, तो इनके कुंडली से जो है कोई ऐसा कोई परेशानी वाली थोड़ी सी तो परेषानी दाम्पत्य जीवन में दिखाई दे रहा है। मेष लग्न है और मीन राशि है, शुक्र की महादशा चल रही है, तो जहां तक रहे कि आप जो बात कर रहे हैं बच्चे की बात है तो वो दोनों कुंडली को दिखाएगा। और ये मतलब वैसे समय तो इनका चल रहा है सप्तमेश का, थोड़ा सा हेल्थ इशू भी हो सकता है, और दाम्पत्य जीवन में चूंकि शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है। अभी शुक्र में राहु चल रहा है इसलिए परेशानी तो उनको जनवरी से स्टार्ट हो ही गई होगी, राहु के उपाय करना इनके लिए जरूरी है। जी चलिए सीमा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी समस्या पंडित जी के सामने रखने के लिए। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। पंडित जी बढ़ते हैं आगे, बात राशि की कर लेते हैं हम। सबसे पहली जो राशि है मेष, मेष राशि वालों का आज का दिन कितना सही रहने वाला है? पंडित जी, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है जी। पंडित जी और आज बुध जी, मैं सुन पा रहा हूँ, हमें आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप हमें? जी पंडित जी बताइए। हाँ, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन जो देखा जाता है इनका आज सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, और इनका जो है वाणी जो है आज मधुर है, अच्छा काम निकलवा सकते हैं। जहां तक देखा जा रहा है शैक्षिक कार्यों के लिए तो शैक्षिक कार्यों में भी थोड़ी सी सफलता दिखाई दे रही है, लेकिन इनको
आत्म संयम रहने की जरूरत है, थोड़ा सा जो है ऐसा नहीं कि अपने ऊपर थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। अगर ये कोई नौकरी खोज रहे हैं, नौकरी पे कोई परेशान है नौकरी खोजने के लिए, तो किसी रेफरेंस से किसी जान पहचान से हो सकता है कि इनको नौकरी का अवसर मिले। हाँ, इनके लिए एक चीज देखने को मिल रहा है कि सुखद समाचार इनको मिल सकता है किसी क्षेत्र से आज, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक ज्यादा है कि ज्यादा इमोशनल ना हो, ज्यादा उत्साहित ना हो, आज इनके लिए ये चीज देखा जा रहा है। जी पंडित जी, पंडित जी बढ़ते हैं आगे, बात अब अगली राशि वालों की कर लेते हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कितना खास रह सकता है? देखिए, वृष राशि का स्वामी शुक्र होते हैं। वृष राशि के लिए क्या है कि आज का दिन जो देखा जा रहा है, मन शांत एवं प्रसन्न रहने की उम्मीद है, लेकिन थोड़ा पेशेंस इनको आज कम होगा, धैर्यशीलता में थोड़ी सी कमी, धैर्यशीलता में वृद्धि होगी, सॉरी कमी नहीं वृद्धि होगी, धैर्यशीलता इनको थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। कारोबार की जहां तक बात दिखाई दे रहा है, कारोबार में लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, और इनके संतान पक्ष से अगर चिंतित होंगे तो संतान पक्ष से थोड़ा सा सुखद समाचार होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हेल्थ, थोड़ा हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है, सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा चीज है कि इनकम की, सब लोग देखते हैं कि इनकम की बात करते हैं तो आय में वृद्धि की उम्मीद है, मतलब की है, आय में इनको लग सकता है कि उम्मीद वृद्धि हो जाएगी, आत्मविश्वास पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है इनको, शैक्षिक कार्य में सफलता मिलने की उम्मीद है। जी पंडित जी, पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमल है जिनका नाम। जी कमल जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी कमल जी बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम कमल है जी, मैं, मेरे जन्म तिथि है 26 दिसंबर 1985। 26 दिसंबर 1985। ये कपिल 26 दिसंबर 1985 85। जी हेलो, क्या जानना चाहते हैं आप? टाइम क्या बताया आपने? हाँ जी हेलो, टाइम क्या बताया आपने? सुन पा रहे हैं? टाइम शाम के 5:10। हाँ, आवाज सुन सु। शाम के 5:10। जी बर्थ प्लेस? बर्थ डेट 26 दिसंबर 1985। रोहतक हरियाणा। प्लेस? प्लेस, प्लेस रोहतक। क्या जानना चाहते हैं? मैं बताता हूँ गुरु जी, मेरी शादी कब तक होगी और काम कब तक बनेगा? नहीं कहीं काम मिलता है और नहीं शादी होती है। क्या काम करते हैं, किस क्षेत्र में आप काम किए हुए हैं? हेलो हेलो, कमल जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए। सुन पा रहे हैं? हाँ जी। शादी की तो समय चल रहा था आपका, बात बात तो कहीं चला, सप्तमेश आपका गुरु अष्टम स्थान में बैठा है, थोड़ी सी परेशानी और कमजोर होकर बैठा है, इसलिए शादी में परेशानी है, गुरु का उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। किस चीज का उपाय? गुरु के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। गुरु गुरु किस चीज का जाप? केले के पौधे में प्रतिदिन जल दीजिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाइए। जी जी पंडित जी, पंडित जी बढ़ते आगे, एक कॉलर है हमारे साथ, अंकिता गुरुग्राम से। जी अंकिता जी बताइए। जी जॉब के बारे में पूछना था। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1996। दोबारा रिपीट करेंगे अंकिता जी? 26 अगस्त। 1996। जी टाइम क्या है? टाइम तो नहीं याद है मुझे। जी स्थान? चंडीगढ़। जी कुछ दिन भी आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे अपनी नौकरी के बारे में पूछना था। बस एक सेकंड लाइन पे रहिए। किस क्षेत्र में आप काम करती है? हरियाणा न्यूज। हरियाणा? अच्छा 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 अच्छा। देखिए थोड़ी सी राहु की महानता चल रही है आपकी,
राहु की उपाय कर कीजिए, नौकरी में भी बहुत कुछ अच्छा है, बुध अच्छा है आपका, सब कुछ अच्छा है, आप थोड़ा धैर्य रखिए, हो सकता है कि फरवरी के बाद मार्च में आपको अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। मार्च से जुलाई के बीच में ट्राई करते रहिए, संभावना है, अच्छी अच्छी संभावना है। चलिए पंडित जी, पंडित जी बढ़ते आगे, लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं उनका भी जवाब आप दे रही हैं साथ ही साथ, तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। अगली राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कितना धन्यवाद खास? मिथुन राशि के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं, थोड़ा सा ये आप अपने आप को आज जो है मानसिक शांति का प्रयास करें, शांत रहने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आपके दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रही है, तो अपने आप को शांत रखें, ये आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि परिवार के व्यक्तियों के साथ आप कोई धार्मिक यात्रा का मतलब जो है प्रोग्राम बनाए, धार्मिक यात्रा करने का सोचे, संयम की जरूरत है। माता के मदर के स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा धैर्य चिंता पेशेंस में आज कमी कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन वाणी में इनकी सौम्यता दिखाई दे रही है, मीठी वाणी इनकी अच्छी हो सकती है। थोड़ा सा पारिवारिक समस्या इनको उलझन में डाल सकती है, कुल मिला के ठीक ठाक ही दिन कहा जा सकता है। जी पंडित जी, पंडित जी बात अब कर्क राशि वालों की कर लेते हैं, इनका आज का दिन कितना खास रहेगा? कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है जी, कर्क राशि वालों के लिए। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, जो राशि फल जो बनाया जाता है जन्म के समय में, जो चंद्रमा जिस राशि में होती है वही आपका राशि फल होता है जी, राशि फल वहीं से होता है। इसका प्रभाव जो है, और आपके कुंडली में हो सकता है कि ग्रहों का प्रभाव कुछ और हो, ग्रहों की प्लेसमेंट कुछ और हो, कुंडली में कोई ग्रह आपके योग कारक हो सकते हैं, कोई कारक अकारक हो सकते हैं, तो उसको भी देखा जाता है, उस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, एक नॉर्मल है। लेकिन जो जहां तक कर्क राशि की बात मैं आगे कर रहा हूं, तो कर्क राशि की बात है कि मानसिक शांति, कर्क राशि की जहां तक बात है मानसिक शांति रहेगी, पेशेंस रखने की जरूरत है इनको आज, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन पारिवारिक जीवन सुखमय हो सकता है, धर्म के प्रति इनकी रुचि बढ़ सकती है आज, और सबसे बड़ी बात जो लोग नौकरी पेशा कर रहे हैं तो नौकरी में आज इनको तरक्की की योग दिखाई, हो सकता है कि इनको कोई अच्छा तरक्की का मार्ग मिले, अवसर मिले, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि नौकरी में कोई अलग से जिम्मेवारी भी इनको मिले, ऐसा भी देखने को हो सकता है। जी पंडित जी, पंडित जी बात अब सिंह राशि वालों की कर लेते हैं, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कितना सही रह सकता है, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं इनके जीवन में? सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, इनकी पेशेंस आज बढ़ेगी, धैर्यशीलता आज बढ़ेगी इनके साथ, मैंने आज धैर्य से रहेंगे। पैतृक संपत्ति कोई है तो पैतृक संपत्ति से आय का साधन बन सकता है आज के दिन में। जी पंडित, परिवार में सुख शांति रह सकती है, मानसिक शांति भी इनको मिलने की उम्मीद है। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन हो सकता है कि खर्च भी थोड़ा अधिक हो आज के दिन में इनका। जी पंडित जी, इस बीच एक कॉलर है हमारे साथ, पूजा जी। पूजा जी बताइए, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी जी, बताइए। भांजे की डेट हुआ है 28 अक्टूबर 1988। सुबह दोपहर के 12:20 जी, 28 अक्टूबर 1988 साल का उसका जन्मदिन है। हाँ जी, तो इसकी शादी के बारे में और इसकी क्या सरकारी नौकरी या और शादी कब होगी? ये आपकी बिटिया का सारा ब्योरा है, सब कुछ आप उन्हीं के बारे में बता रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, भांजे के लिए पूछ रही हूँ जी। हेलो पंडित जी, अपनी बेटी के लिए विवाह के बारे में जानना चाहती हैं। विवाह के बारे में, मार्च के बाद कोई रिश्ता हो सकता है, गुरु की महादशा तो इनकी चल ही रही है, गुरु इनका शत्रु भाव में बैठा हुआ है, गजकेसरी योग तो है लेकिन मैंने अच्छे जगह पर नहीं, वक्र है गुरु, तो कुल मिलाकर के गुरु का उपाय इनको भी करना है जो मैंने अभी बताया है। गुरु का उपाय इनको करना है, शादी का समय तो चल रहा है, खास करके अप्रैल के बाद बहुत ही बेहतरीन समय चलेगा जी पंडित जी। अप्रैल के बाद इस साल शादी होने की उम्मीद है, संभावना है, गुरु का उपाय करना है, केले के पौधे में जल देना है प्रतिदिन।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जितनी भी जाप कर सकती है ये करें। लक्ष्मी योग बना हुआ है, अच्छी पैसे कमाएंगी, चिंता करने की बात नहीं है जी। पंडित जी, पंडित जी इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है। नहीं सकता है जी। पंडित जी, पंडित जी आप हमें सुन पा रहे हैं जी? जी पंडित जी, कॉलर जुड़ गई हमारे साथ सुनीता जी। सुनीता जी बताइए। मेरी जन्मदिन 25 जून 2081। 25 जून 2081 जी। स्थान 2081 1981 है ना? हाँ जी जी जी। समय 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 भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ जी। जी आगे का भविष्य कैसा होगा, बच्चे का सुख होगा या नहीं होगा? सुनीता जी दो लड़के हैं जी मेरे। ठीक है ठीक है। आप भविष्य के बारे में जानना चाहती है, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आपका जन्म स्थान कहाँ का है? जी रोहतक जिले का है जी, गाँव का। समय भी, जन्म समय भी जी। जन्म समय मुझे सुन पा रहे जी? पंडित जी, पंडित जी उनका फोन कट गया है, फिर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम। सुनीता जी आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि आपकी राय जानना या फिर आप अपनी कुंडली के हिसाब से जो भी जानना चाहती हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। पंडित जी बढ़ते हैं आगे, बात अगली राशि वालों की कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कितना खास रहेगा? कन्या राशि के स्वामी जो है बुध है, आज इनका आत्मविश्वास पूर्ण दिखाई दे रहा है जी। नौकरी के कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि बदलाव हो, अधिक परिश्रम आज कार्य क्षेत्र में इनको करने को देखना दिखा जा रहा है। भावना को इनको बस में रखना होगा, आज इमोशनल ज्यादा ना हो, आत्म संयम बरते आज, थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि लग्जरियस लाइफ में सुख समृद्धि में कुछ खर्चा हो सकता है जी। पंडित जी बात जी। हम तुला राशि वालों की कर लेते हैं, इनके लिए आज का दिन क्या कहता है? तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, आज इनके ऊपर कार्य करने का उत्साह बहुत ज्यादा रहेगा, पूरे जोश में रहेंगे आज। नौकरी में हो सकता है कि इनको अतिरिक्त जिम्मेवारी मिले, थोड़ा सा इनको भी परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। परिवार वालों को हेल्थ का थोड़ा सा इनको ध्यान रखने की आज जरूरी है, लेकिन मानसिक शांति देखा जा रहा है कि आज ये मानसिक रूप से शांत रहने की उम्मीद है। अगर जो स्टूडेंट है या शैक्षिक कार्य में लिप्त है तो उसमें सफलता मिलने की उम्मीद है जी। पंडित जी, पंडित जी बात अब अगली राशि वालों की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कितना सही रह सकता है? वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, आज इनका थोड़ा अच्छा दिन कहा जा सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं तो उनमें तरक्की के मार्ग आज दिखाई दे रहे हैं, तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, बातचीत में अपने आप को शांत रखें, शांति बनाए रखें। वो आज इनका स्थान परिवर्तन का भी योग दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पेशेंस में कमी हो सकती है, धैर्यशीलता में इनको कमी हो सकती है, आत्मसंयम रहने की जरूरत है, लेकिन जहां तक मान सम्मान की बात है तो मान सम्मान में वृद्धि होने की उम्मीद है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थिति रहने की संभावना है जी। पंडित जी, पंडित जी बात अब धनु राशि वालों की कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कितना सही रह सकता है? धनु राशि के स्वामी गुरु ही होते हैं, थोड़ा सा इनका जो मन है आज दिखा जा रहा है कि अशांत हो सकता है, आत्मसंयम बरतने की इनको भी जरूरत है, व्यर्थ की विवाद और झगड़े से बचने की जरूरत है आज, धन की प्राप्ति का योग उम्मीद हो सकता है आज, धर्म के प्रति इनका श्रद्धा भाव बढ़ सकता है आज, वाहन सुख जो लोग सोच रहे हैं उसमें वृद्धि होने की उम्मीद है, लेकिन जी। पंडित जी, पंडित जी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, आपकी राशि के हिसाब से आपका आज का दिन कैसा रह सकता है, आपका भविष्य क्या कहता है ये भी पंडित जी आपको बता रहे थे। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि आपके नाम का जो पहला अक्षर है उसके हिसाब से भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, साथ ही इस खास कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। कॉल कर सकते हैं 01244829011 1213 14।
इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। पंडित जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राशि के सितारों की अगर आपकी चाल भी बदल रही है तो भी आप जान सकते हैं आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है उससे आप आजादी कैसे पा सकते हैं, आपके भाग्य में क्या बदलाव होने वाले हैं वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, साथ ही उसका जवाब भी जान सकते हैं। आपके जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है उसका उपाय भी जानना चाहते हैं तो आप पंडित जी के साथ सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। पंडित जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पंडित जी हम बात धनु राशि वालों की कर रहे थे जी। पंडित जी आपके पास आना चाहूंगी मैं जी। हेलो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। पंडित जी बताइए। धनु राशि की तो मैंने बता दिया था, मकर राशि की बात कर रहा था जी। पंडित राशि की मकर राशि का के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मकर राशि का स्वामी जो है मकर राशि वालों के लिए आज आत्मविश्वास दिखाई रहा है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। संपत्ति में हो सकता है कि कोई संपत्ति में निवेश करे, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना इनके लिए जरूरी है। शैक्षिक कार्यों में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि नौकरी में भी अड़चने आपको थोड़ा करना पड़ेगा, अपने आप को संयम रखे। वाहन कोई वृद्धि दिखाई दे रही है जी। पंडित जी, पंडित जी बात अब कुंभ राशि वालों की कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कितना सही रह सकता है? कुंभ राशि के स्वामी तरक्की है। इन कुंभ राशि वालों के लिए शैक्षिक कार्यों में आज अच्छा सफलता देखने को मिल रहा है, इसके लिए सफल होने का योग है आज। और ये हो सकता है कि कोई नए कारोबार में निवेश कर, जो व्यवसाय कर रहे हैं तो नए कारोबार में निवेश करने की संभावना है। आत्मविश्वास इनकी दिखाई दे रही है आज। जरा जरूरत नहीं है इसका उत्तरा में थोड़ा सा जी। पंडित जी, पंडित जी बढ़ते आगे, बात हम आखिरी राशि वालों की कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कितना सही रह सकता है? पंडित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ जी। पंडित जी मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं हम। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कितना सही रह सकता है? मीन राशि मन थोड़ा परेशान रहा है, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। कारोबार में जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके कारोबार में सुधार की संभावना है, लेकिन खर्चों पे नियंत्रण रखने की जरूरत है इनको। आज कर्ज लेने से बचे, व्यक्ति के जो लोन ले रहे हैं उससे बचे। धार्मिक और कला के संगीत के क्षेत्र में इनकी रुचि बढ़ सकती है आज। क्रोध से बचने की जरूरत है, मन में नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, स्वभाव का चिड़चिड़ापन हो सकता है जी। पंडित जी, पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।